अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल आर्टिस्ट ऑनलाइन। तो चैलेंज जी, आज की न्यू वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि आप पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर या ब्रश होल्डर कैसे किस तरह बना सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगा और बड़ों के लिए भी। बड़े जो है अपने ब्रशेज़ वगैरह उसमें रख सकते हैं, बच्चे पेन वगैरह, पेंसिल्स, अपने स्केल, ये सब इसमें रख सकते हैं। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है और ये आप खुद बना सकते हैं पेपर की मदद से। मैंने ये कलर पेपर ले लिए, कंट्रास्ट में लिए हैं, एक येलो ले लिए और एक पिंक ले लिए। तो चलें जी नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक स्क्वेयर, हमें पेपर जो है वो स्क्वेयर करना पड़ेगा पहले। तो स्क्वेयर में ही हम बनाएंगे। तो ये है जी A4 साइज पेपर है मेरे पास, इसको मैं पहले स्क्वेयर कर लेती हूँ। चलें जी मैं स्क्वेयर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ऐसे मैंने स्क्वायर कर लिया है पेपर को। इसी तरह से मैंने ये 4 पेपर लिए हैं, मैं 2-2 लिए हैं, मतलब 2 पिंक हैं, 2 येलो हैं। तो इन सबको ही मैं स्क्वायर कर लूँगी। इसी तरह से स्क्वायर कर लें इसको। ये देखें जी, ये पेपर को स्क्वायर कर लिया है मैंने। अब इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, एक दफ़ा इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसको, और अब एक दफ़ा अगेन इसको फोल्ड करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखें जी, मैंने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड किया। ये सेंटर में आप देख रहे होंगे क्रॉस का साइन जो है वो शो हो रहा है, इस तरह से ब्लॉक बन गए। अब ऊपर से जो है ना, मैं ये दो इसके कॉर्नर उठा के ये जो सेंटर की और नीचे की लाइन शो हो रही है इसके साथ में इसको फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिए। अब इसको इसके ऊपर वापस फोल्ड कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से इसके ऊपर वापस फोल्ड कर दिया। अब इसको तय लगा दूँगी सेंटर से। ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने इसको तय लगा दी है सेंटर से। इसी तरह से सारे जो 4 पेपर्स हैं उन सबको इसी तरह से तय लगा लेंगे। सारे बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये 4 पीसेस को मैंने इस तरह से तय लगा ली है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे जी, एक येलो पेपर लेना है, एक येलो लेंगे और एक पिंक लेंगे, और इसको एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर देंगे। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करेंगे। ये देखें जी, ये दोनों एक ही स्टाइल से पड़े हुए हैं ना। अब मैं क्या करूँगी, पिंक वाले को उल्टा कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि एक का जो है वो फोल्डिंग का ट्रायंगल नीचे की तरफ है, एक का ऊपर की तरफ है। अब इसको आमने सामने रख के ये जो इसका ऊपर का कॉर्नर है, ये पिंक वाले का, ये उसके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। रख के दिखा, ये देखें जी, ये इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ये एक साइड से पहले कर देते हैं। ये देखें जी, इन दोनों को मैंने ऊपर से भी, इसी साइड से भी इस तरह से इंसर्ट कर दिए। अब क्या करूँगी, इसकी जो दोनों साइड वाले एजेस हैं इन दोनों को आपस में मिला के सेंटर की एक तय लगा लूँगी। ये देखें जी, ये सेंटर में जब मैंने इसकी तय लगाई तो इसका सरफेस कुछ इस तरह से बन गया। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखें जी, ये दोनों मैंने इस तरह से बना लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये दोनों बन गए। अब एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ये देखें जी, एक कार्डबोर्ड ले लिए मैंने। अब इसको इसके साइज़ का, इन दोनों के साइज़ का जो है वो कट कर लेते हैं, और इन दोनों को जो है वो आपस में ग्लू लगा के चिपका लेते हैं ये सेंटर से। ये देखें जी, ये कार्डबोर्ड को मैंने उसके साइज़ का कट कर लिया है, और एक पिंक पेपर को भी उसका साइड उसी के साइज़ में कट कर लिया है। अभी कार्डबोर्ड के ऊपर मैं ग्लू लगा के ये पिंक पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें जी, ये इसके ऊपर पेस्ट हो गया। अब क्या करना है जी, ये उठा के इसके, ये देखें जी, मैंने इस पर ग्लू लगा दिया। पेन होल्डर को मैं उठा के इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें जी, पेन होल्डर को मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इसको इनसाइड भी, और ये बाहर की साइड से भी इसकी लुक देख सकते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से ये हमारा पेन होल्डर जो है ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, ये मैंने इसमें पेन वगैरह भी अपने रख लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी स्पेस भी सही है, और ये देखें इसकी लुक भी आप देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इजाज़त दीजिए न्यू वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।